होगा कितनी हाइट पे हम इस टाइम तगड़े वाली हाइट गई थी गाँव है नीचे। ये देखो पार वाला गाँव कान्हा दयाल, काफ़ी व्यू अल्टीमेट दिखता है पार गाँव से भी, वहाँ से तो रात को परमाणु की लाइटें भी दिखती है, जो सड़कों में लाइटें हैं परमाणु में वो भी दिखती है और पूरा हाईवे दिखता है। ये वाला जो बड़े वाला टिब्बा है, ये करोल का टिब्बा है, सोलन में फेमस है करोल का टिब्बा, काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। और इसके साथ गए थे यहाँ पे, आज ना धुंध सी पड़ी है, इतना ना क्लियर दिख नहीं रहा है। वो जो पहाड़ी है ना, वो लास्ट वाली पहाड़ी, वो शिमला की पहाड़ी है गाइस, जो कि बिल्कुल क्लियर दिखती है, आज फिलहाल दिख नहीं रही है। बाकी हेलीपैड भी दिखता है, जो सोलन में हेलीपैड है गाइस, यहाँ से ना सोलन का हेलीपैड भी दिखता है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको अगर दिख गया यहाँ से। गाइस ये जो गाँव दिख रहा है ना, ये बसाल गाँव है, साथ में जो थोड़ा सा ग्राउंड जैसा दिख रहा है ना खाली खाली सा, वहाँ पे हेलीपैड है गाइस सोलन का। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे गाइस। तो गाइस आज इस ब्लॉग में हम लेट हो चुके हैं थोड़ा, आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, बॉडी के ऊपर कहाँ जा रहे हैं, घासनी में घास काटने को। सबसे पहले तो गाइस हमने टमाटर की क्रेटें भरी सुबह उठ के, तो आज 6 क्रेटें निकली, आपको पता ही था, मैंने बताया था 6 क्रेटें निकलेगी, तो उसको पैक करके हमने रख दिया है, अभी गाड़ी आ जाएगी और वो पैक करके लेके जाएंगे। फिर अभी जा रहे हैं गाइस हम घास काटने, थोड़े लेट हो गए, धूप निकल चुकी है पूरी तरह से। देखो उस साइड को जाएंगे गाइस बॉडी के ऊपर, वहाँ पे बॉडी हमारी और हम जाएंगे वहाँ पे ऊपर लास्ट में। गाइस वहाँ से दिखाऊंगा आपको शिमला भी दिखता है, पर दिख जाएगा ऊपर से ना, शिमला भी दिखता है पर दिखाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। और मम्मी तो ठीक है, मम्मी तो कल वही रोने लग गए थे कल, वही कबू मम्मी कैसे रोने लग गए थे कल, कैसे रो रहे थे, मम्मी से पूछो, रो रहे थे मैं थोड़ी, मम्मी कैसे रो रहे थे आप कल, करके दिखाओ तो खतरनाक तरीके सर हो रहे थे मम्मी कल ऐसे पानी भी लेके जाएंगे पीने के लिए ना, प्यास लग जाएगी नहीं तो। ये रहा गाइस पानी और अभी चलते गए हम लोग, पर मम्मी गाइस खतरनाक रो रहे थे बाकी बैठी है। बाय टेक्सन, बाय, खाना खा ले ऊपर से डल साइड से रोक्सी, बाय बाय, कौन खींचा रोक्सी का, बाय रोक्सी। गाइस एयरबड लेके जा रहे हैं हम अपने। सो गाइस इस जगह पे मम्मी का पाँव भी फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ पे गिरे थे मम्मी। गाइस इस रास्ते में भी आए थे हम घर रास्ता काटने के लिए ना, ये रास्ता गाइस हमने पहले काट लिया था, अभी देखो जो रास्ता कटा हुआ था आसानी से चल सकते हैं हम, ये देखो वहाँ तक काटा हमने पहाड़ तक। गाइस ये रास्ता नहीं काटा हुआ है ना, तो यहाँ पे चलना मुश्किल होता है, पाँव में फंसता है घास। फाइनली पहुँच गए हम पूरी हाइट पर जहाँ पे हमें घास काटना है। ये देखो गाइस पिछले टाइम ना तीतर का बच्चा मर गया था नीचे ग्राटी से ना, गलती से गाइस, तो काफ़ी बुरा लगा पिया को, घास में था ना गाइस बीच में ये देखो, और ये था भी काफ़ी छोटा बच्चा बेचारा, देखो तो, और ये बेचारा आया होगा घास के बीच में और ये मर ही गया, तो इसके लिए मैंने पानी वगैरह भी पिलाया इसको, बट फिर भी ये बच नहीं पाया, तो काफ़ी बुरा लगा गाइस उनका। गाइस इसने ना आवाज़ की ना कुछ नहीं, अगर आवाज़ वगैरह भी करता ना तो पता लग जाता, बट नहीं किया गाइस इसने कुछ भी आवाज़ वगैरह नहीं की, तो बस दराटी में आगे बीच में मर गया बेचारा। आपको गाइस अभी दिखाता हूँ यहाँ से पूरा व्यू। गाइस यहाँ से ना सोलन का हेलीपैड भी दिखता है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, बट आज ना कुछ मौसम वाइट वाइट सा हुआ है, कुछ धुंध सी पड़ी हुई है, तो इतना दिख नहीं रहा है गाइस आज। वो गाइस ये जो गांव दिख रहा है ना, ये बसाल गांव है, और एक हल्का सा आपको ना इस जगह पे गाइस जो पहाड़ी है ना, इस जगह पे देखो गाइस ये हेलीपैड है गाइस पार, साथ में जो थोड़ा सा ग्राउंड जैसा दिख रहा है ना खाली खाली सा, वहाँ पे हेलीपैड है गाइस सोलन का, तो ये बसाल का हेलीपैड है गाइस। यहाँ पर धुंध सी है देखो पड़ी हुई, तो सॉरी बाकी रहा उतना दिखाने की कोशिश करोगे गाइस, मैं आपको यहाँ पे चंबा घाट होगा और इस पहाड़ी के पीछे सोलन आ गया गाइस, करोल का टिब्बा है साथ में पार, ये वाला जो बड़े वाला टिब्बा है, ये करोल का टिब्बा है, सोलन में फेमस है करोल का टिब्बा, काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। और इसके साथ वो जो पहाड़ी है ना, वो लास्ट वाली पहाड़ी, वो शिमला की पहाड़ी है गाइस, जो कि बिल्कुल क्लियर दिखती है, आज फिलहाल दिख नहीं रही है, बाकी हेलीपैड भी दिखता है, जो सोलन में हेलीपैड है। तो गाइस अभी हमें इसी जगह पे घास वगैरह काटना है, तो जल्दी से काट लेते हैं गाइस, बाकी किसी दिन अगर मौसम पूरी तरह से साफ हुआ ना, ये वाइट वाइट सा ना रहा ना आगे, कैमरे में काफ़ी क्लियर नहीं दिख रहा, बाकी ऐसे आंखों से तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आपने सच में जन्नत में घूमना है ना, तो करो अपना बैग पैक, कपड़े वगैरह पैक करो और आ जाओ गाइस सोलन की ओर, हिमाचल में आ जाओ, सारी जगह पे घूमो गाइस खुले, अगर सच में आपने जन्नत देखनी है और हिमाचल में घूमना है गाइस, क्योंकि इतना अच्छा व्यू और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं और किसी जगह पे नहीं मिलेगी गाइस। देखो
अभी तो देखो चंडीगढ़ में इतनी गर्मी हुई हुई है, दिल्ली में इतनी गर्मी हुई है, बट यहाँ पे देखो गाइस कोई गर्मी नहीं गाइस। और देखो पिया ने तो बल्कि स्वेटर भी लगाया हुआ है काम करते रहने, कानों में एयरबड मैंने लगा लिया और आज स्पीड से काम करेगा, जैसे कल काटा ना घास धमाकेदार सॉन्ग लगा के और फटाफट से घास काटते हैं। सो गाइस फाइनली काट लिया हमने सारा घास, दो मिनट के कर लिए। आज मेरे पास 16 है, पिया तेरे पास 15 बुलटे गाइस, पिया के पास 16 बुलटे, मेरे पास एक ही बुलटा एक्स्ट्रा है। ये देखो ये पिया का मिनट का हो गया और ये ऊपर ये मेरा मिनट का है गाइस, मेरे को भी नहीं दिख रहा अंधेरा सारा, ये मेरा है गाइस। थोड़ी ऊंचाई पे आके ना यहाँ पे नेटवर्क थोड़े अच्छे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से वीडियो को थंबनेल वगैरह लगा के शाम के टाइम को यहीं से पोस्ट कर देते हैं। तो गाइस चलते हैं, वीडियो तो मैंने कर ली है जो कि आपको 6 बजे मिल जाएगी, तो देख लेना गाइस जाके। और गाइस अभी मैं भी चलता हूँ क्योंकि बिकॉज हम बिल्कुल ही अकेले हैं यहाँ पे, आधा घंटा होगा पिया को गए हुए, तो मेरे को कॉल करनी पड़ी कब्बू के नंबर पे, तब जाके नेटवर्क आया कि हम लगा सके हैशटैग और टाइटल वगैरह। ठीक है गाइस, तो अभी चलते हैं गाइस घर को, यार धूप भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, खाना वगैरह खाते हैं घर में। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम घर और नहा भी लिया हूँ मैं, तो ड्रायर से ना यार बालों को सुखा लेता हूँ, अभी बढ़िया सेट कर लेते हैं ड्रायर से बालों को। और आज भूख थोड़ी जल्दी लगी गाइस मेरे को, घर पहुँचते ही भूख लगी है, अभी 1 बज चुका है बस। वैसे जल्दी तो क्या बिल्कुल टाइम से लगी हुई, पर और दिन मैं 2-2.5 बजे खाता हूँ, बट आज थोड़ी जल्दी लगी है गाइस। वैसे हो गए ना अपने बढ़िया बाल, अभी बाल तो हो गए गाइस बिल्कुल बढ़िया। चलते हैं गाइस, दादी ने टमाटर भी काट लिए और साथ में खीरा भी काट लिया, खाना वगैरह खा लेते गाइस, बहुत ही भूख लग रही है। धूप यहाँ तक पहुँच गई है, थोड़ी देर में इनको भी अंदर करना पड़ेगा डॉगियों को। गाइस ये देखिए, ये रही खीरा गाइस, ये रही खीरा और ये टमाटर, और मज़ा आने वाला है गाइस। और यार नमक, ये कोई साधारण नमक नहीं है गाइस, इस नमक में है दादी क्या क्या मिक्स है इस नमक में, हरी मिर्च है, पुदीना है और नमक है और गरम मसाला, गरम मसाला भी है गाइस। इसको ना ऐसे निकाल के ऐसे इधर रख के और ऐसे ऐसे मिक्स करके सुपर सुपर गाइस मजा आता है, सिंपल नमक से इतना मजा आता है जो इस नमक से मैं टेस्ट होता है, अदरवाइज खाते हैं यार मजे मजे के साथ। खाना तो हमने खा लिया, अभी मम्मी को लेके चलते हैं रूम में, कब्बू टांग पकड़ लेगी मैं उठा लूंगा मम्मी को, मम्मी को तो छोड़ के आ गए हम रूम में रेस्ट करने के लिए। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग भी थोड़ी देर अभी रेस्ट करते हैं क्योंकि शाम के टाइम फिर उठना पड़ेगा, अभी टाइम क्या हो चुका है, 2:30 बनने वाला है गाइस, तो शाम के टाइम उठना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। और गाइस साथ में मैं सोच रहा हूँ कि एक फ्री फायर पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए, जिसका नाम भी मैंने सोच लिया है, उसका नाम रखेंगे हम एबी गेमिंग के नाम से वो चैनल होगा गाइस। बाकी आप लोग कमेंट करना कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ एक फ्री फायर का, उसमें हम न्यू अपडेट जो भी आया करेंगे वो भी बताया करेंगे, साथ में गाइस सब्सक्राइबर के साथ लाइव स्ट्रीम भी किया करेंगे ठीक है, और फ्री फायर खेला करेंगे गाइस, उसमें अच्छे अच्छे से वीडियो डाला करेंगे। बाकी आप लोग गाइस प्लीज कमेंट करके बताना मेरे को कि फ्री फायर का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए यस और नो गाइस, उसके लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, एक तरफ व्लॉग एक तरफ फ्री फायर की, फिर भी हम खुद की तरफ से गाइस बेस्ट रखेंगे ठीक है, बताओ गाइस कमेंट करो बताओ यार। सो गाइस फाइनली उठ चुके हैं सोके, और मैंने तेल भी लगवा लिया मम्मी से अपने बालों में, नवरत्न का तेल लगाया ना मम्मी, रोक्सी कैसे देख रहा था, रोक्सी के भी लगाना पड़ेगा गाइस, रोक्सी पता क्यों आज हमारे पास है, हमने चाय पी ली ना और चाय के साथ खाए थे गाइस बिस्किट पाले जी, तो रोक्सी को बहुत पसंद है पाले जी बिस्किट, बट हम इसको ज्यादा मीठा दे भी नहीं देते, एक बिस्किट दिया इसको पूरे पैकेट में से, मैं देखो बारिश ही बारिश कर दी इसने पूरी लाड टपका के। फिर चलते हैं पौड़ी के पास पानी लेके आते हैं, 2 कुपियाँ खा ली है हमारी पड़ी भी, क्योंकि एक दिन में गाइस नॉर्मली हमारे 3 से 4 कुपियाँ लग जाती है पानी की, और फिर डोली में डालना होता है जो डोल जो गाइस जो हम चूल्हे को परपते हैं, फिर नहाने के लिए भी पानी यूज़ हो जाता है उसी में से, और गर्म पानी अगर सब्जी में डालना हो ताज़ा पानी, और ताज़ा मतलब साफ पानी अगर सब्जी में डालना हो गाइस, तो अभी हम डोल में से डाल लेते हैं, तो इसलिए आज 2 ही कुपी लगी है और 2 में पानी भरा हुआ है, शायद पापा लेके आ गए होंगे दिन में, अभी 2 खाली गाइस वो लेके आते हैं हम, और बावड़ी गैस तो बिल्कुल ठंडी छांव रहती है, पटाखे चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी गाइस एक लाइटर की, तो लाइटर लेके जाते हैं हम लोग, ये रहा गाइस लाइटर, ये लो गाइस कब्बू इसमें लेके आए, इसमें लेके आओगे ना एक ही और क्या भारी वो तो देती, और 2 लीटर पानी आ गया, चलो गाइस बथेरा है 2 लीटर भी, तो चलो गाइस अभी चलते पटाखा चलाएंगे यार। गाइस इस पटाखे को ना हम अलग ही स्टाइल से जलाएंगे, मतलब अलग ही स्टाइल से फोड़ेंगे, इस पटाखे को हम इस पत्ते में डाल देंगे और ऊपर मैं बत्ती में आग लगा लूंगा, फिर देखेंगे कैसा पटाखा होगा। मेरे को डर लगता हाँ उछल के कहीं मेरे मुंह पे गिरा, हाँ देखो तो उसकी
गाइस देखा अपने पटाखा खतरनाक हुआ यार, धूप में रखे ना पापा ने, खतरनाक पटाखा आवाज खतरनाक है ना। कब्बू ने तो कान ही बंद कर दिया था अपने उल्लू की भट्टी से। तब बोरी हाँ सुनी मैंने आवाज। चलो गाइस अभी और आगे चलते हैं। अभी बारी है ये तोता बम फोड़ने की। पहले पटाखे में ज्यादा दम था या तोता बम में ज्यादा दम है गाइस, देखते हैं अभी चेक करते हैं। कैसे कैसे नमूने गाइस अभी देखना, मैं ही बना देता हूँ वीडियो। ये रही बत्ती और जी ये जला लाइटर, ये लगी आग। ओ भाई ऐसे क्या फोन फाड़ दिया ना, पता तो फोड़ना ही था फुटने था। तगड़ी है आवाज। ये लो लाइटर, देख लो मस्ती करते करते हम लोगों ने पानी भी भर लिया। अभी चलते गाइस घर को, बट यहाँ से जाने का मन नहीं करता गाइस, खासकर तो गर्मी में, क्योंकि फिर गर्मी में ना ठंडक रहती है गाइस यहाँ पे, इसीलिए। ये देखो तो पैर को साफ करने का काम चला हुआ है, लाइटर भी रखा हुआ साथ में, पेट्रोल में आग लगा सड़े अन्य। इसी के साथ ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाता है हमारा। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, रखिएगा ना बहुत ज्यादा ध्यान। बाय गाइस सबको।